स्वागत है आपका साधना टेक्निकल क्लासेस में। इस सेशन का हमारा टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है? इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियरों की ग्राफिकल भाषा है। इट इज़ अ ग्राफिकल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्राफिकल लैंग्वेज, लैंग्वेज से क्या मतलब है? ड्राइंग फ्रेंड्स लैंग्वेज ही होती है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग किसी भी पर्सन को दिखाओ तो वो पहचान जाएगा कि ये वो ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को आप मैंगो की ड्राइंग दिखाए तो वो आराम से समझ जाएगा ये मैंगो है। इसलिए फ्रेंड्स इसको ड्राइंग को लैंग्वेज बोला गया। ग्राफिकल, ग्राफिकल का मीन्स होता है फ्रेंड्स जो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है ये यूज़ होती है डिज़ाइनिंग में। तो डिज़ाइनिंग में फ्रेंड्स डायमेंशंस का बहुत बहुत प्रेसाइज से ध्यान दिया जाता है, इसीलिए इसको ग्राफिकल लैंग्वेज बोला गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंजीनियरों की ग्राफिकल भाषा है। ठीक है, अब बात आती है फ्रेंड्स जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो कितने प्रकार की होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग फ्रेंड्स कुछ चार पांच प्रकार की होती है। सबसे पहले जो इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है उसमें सबसे पहले आता है ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। ठीक है फ्रेंड्स, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग फिर से दो भागों में डिवाइड हो जाती है, प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग एंड सॉलिड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में प्लेन ज्योमेट्रिकल प्रोडक्ट्स आते हैं, ऑब्जेक्ट्स आते हैं जैसे पेंटागन, हेक्सागन। एंड सॉलिड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में सॉलिड्स आते हैं जैसे प्रिज्म एंड पिरामिड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की। जो इसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है मैकेनिकल एंड मशीन ड्राइंग, सिविल ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग और इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग, ये इसका क्लासिफिकेशन है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ड्राइंग में आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्योंकि ड्राइंग जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग जब आप करते हो तो कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैंने इस शीट में दिखाए हैं कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। ड्राइंग बोर्ड चाहिए, टी स्क्वायर, साइड स्क्वायर्स, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स जिसमें स्केल, प्रोटेक्टर और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए। बोर्ड फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक डायमेंशंस का होता है, तो यहाँ आपके सामने ये जो शीट है इसमें सभी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे फ्रेंड्स आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी होती है तो उसके लिए आपको सीखना होता है अल्फ़ाबेट, इसी प्रकार अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखनी है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो बेसिक यूनिट है जो होती है लाइंस वो आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस जो आपको दिखाई है इस टेबल में। सबसे पहली लाइन है, यहाँ लाइन कन्वेंशन मतलब लाइन वो देखने में कैसी होती है, डिस्क्रिप्शन उसका नाम कैसे दिया जाता है और वो यहाँ कहाँ पर यूज़ होती है, ये आपको इस टेबल में पूरी डिटेल दी गई है। सबसे पहली लाइन है थिक लाइन, इसको बोला जाता है कंटिन्यूस थिक लाइन। ये लाइन कहाँ यूज़ होती है, जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, जो ड्राइंग बना रहे हैं उसकी आउटलाइंस में इसको यूज़ किया जाता है। सेकेंड है थिन लाइन, कंटिन्यूस थिन इसका नाम है, और जो डायमेंशन लाइन होती है, एक्सटेंशन लाइन होती है, सेक्शनल और कंस्ट्रक्शन लाइन जो होती है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डायमेंशन लाइन वगैरह इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा। डायमेंशन लाइन कौन सी होती है, मान लो हमारे पास ये एक ड्राइंग है एक रेक्टेंगल की, तो फ्रेंड्स ये जो लाइन है ये लाइन डायमेंशन लाइन होती है, ये लाइन जो एरो हेड को रोक रही है इनको कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, और आउटलाइन, ये आउटलाइन है ऑब्जेक्ट की। ओके, देन आ जाते हैं डैश लाइन, ये हिडन आउटसाइड लाइन और हिडन लाइन से बनाई जाती है जो डैश लाइन है। ऑब्जेक्ट में अगर कोई ऐसा पार्ट है जो व्यू में दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको दिखाया जाता है हिडन लाइन से, वहाँ पर ये हिडन लाइन यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है
एक लॉन्ग डैश फिर छोटा डैश, इसको यूज़ किया जाता है सेंटर लाइन और एक्सिस लाइन या लोकस लाइन में। इसके बाद फिर एक बड़ा डैश, दो छोटे डैश, इनको यूज़ किया जाता है कटिंग प्लेन लाइन में। और फ्री हैंड लाइन, ये शॉर्ट ब्रेक लाइन कहलाती है, शॉर्ट ब्रेक लाइन में इनको यूज़ किया जाता है। और यह है फ्री हैंड जिगजैग लाइन, जहाँ पर लाइन बहुत बड़ी होती है वहाँ पर फ्री हैंड जिगजैग लाइन से उसको लॉन्ग ब्रेक लाइन में इनको यूज़ किया जाता है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी लाइन। इससे ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का और साथ ही साथ और टेक्निकल सब्जेक्ट्स का पूरा स्टडी, पूरा डिटेल मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।